देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री ने फिर एक बार देश को संबोधित किया और उन्होंने 3 मई तक जो लॉकडाउन को एक्सटेंशन किया है, मैं समझता हूँ वक्त की ज़रूरत है और जो आज तक भारत ने मेहनत की है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लॉकडाउन को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि यह महामारी जिसने पूरे वर्ल्ड को जकड़ दिया है और भारत अभी तक इसमें लगभग इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो चुका, और उसके लिए लॉकडाउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और प्रधानमंत्री ने जो आज भाषण में कहा, उन्होंने ये भी कहा कि जो देश के गरीब है वो मेरे फैमिली मेम्बर्स, और मुझे पूरा ख्याल है उनका। और देश में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उन्होंने कहा कि डोर स्टेप पर हर किसी नीडी को वो राशन हो चाहे कोई भी जरूरत जिंदगी उसको पहुंचाया जाए, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब देश के लोग, जब देश की जनता, जब देश के रहने वाले वो महफूज रह सके। और मैं हम इसका सपोर्ट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री, और हमारी यही भी इच्छा थी और हमने ये भी अपील की थी प्रधानमंत्री की, इस लॉकडाउन को थोड़ा सा बढ़ाया जाए ताकि देश के लोग हैं जो महफूज रह सके और इस कोरोना वायरस जो महामारी है इस पर हम काबू पा सके। उसके लॉकडाउन ही मेडिसिन है और लॉकडाउन ही इसका वो तरीका है जिससे इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। सर, हेल्थ के लिए एक एप्लीकेशन की उन्होंने बात की, ऐप डाउनलोड करने की बात की, लेकिन यहाँ पर कश्मीर में अभी तक भी 4G देखिए, जो उन्होंने ऐप हेल्थ एडवाइजरी के लिए किया है, अस्थिति आगे ऐप जो किया है, मैं समझता हूँ वो 2G पे भी वो डाउनलोड होता है और मैं भी वो चला रहा हूँ, लेकिन हमारी जो इस वक्त प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी हमारी इस वक्त मॉडर्न हॉस्पिटल होनी चाहिए, वेंटिलेटर्स होनी चाहिए, मेडिसिन होनी चाहिए और हेल्थ रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स है वो होना चाहिए। देखिए, जब यहाँ की आवाम जो हिफाजत के साथ रह सके, बीमारी से बच सके, इस महामारी से बच सके, तभी तो हम 4G यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। 4G इस वक्त प्रायोरिटी नहीं, इस वक्त की प्रायोरिटी है लोगों की हेल्थ को देखना और इस महामारी के खिलाफ के जो जंग देश ने लड़ी है उस पर फतह पाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मेरे नज़रों में अभी 4G की प्रायोरिटी नहीं है। आपको लगता है कि जो लॉकडाउन बढ़ाया गया और बाकी मुल्कों में लॉकडाउन नहीं किया गया, वहाँ पर किस में ज़्यादा इजाफा? देखिए, लॉकडाउन जो पहले मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया, उसके बाद उन्होंने जो लॉकडाउन का दे दिया, आज पूरा दुनिया उस लॉकडाउन को फॉलो करो और दुनिया इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि लॉकडाउन ही वाहिद रास्ता है जिससे हम, वो वाहिद जरिया है जिससे हम महामारी पर काबू पा सके। और आज देश के जो लोग हैं वो पूरा इसको सपोर्ट करें, मैं समझता हूँ हमें भी इस बात का सपोर्ट करना चाहिए, अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली और अपने आप को बचाने के लिए हमें भी लॉकडाउन का पूरा इसका सपोर्ट करना चाहिए। और जो सोशल डिस्टेंसिस की बात उन्होंने की, हमें वो सोशल डिस्टेंसिस वो मेंटेन रखनी चाहिए ताकि इस बीमारी से हम बच सकें। सर, मरकज में आपकी बीजेपी सरकार है, लेकिन काफ़ी लोग जो मजदूर जो दिन के दिन में पैसे कमाते हैं, शाम को खाते हैं, अभी तक काफ़ी मजदूर या बाकी दिनदारे लोग अभी तक रिलीफ का इंतज़ार कर रहे हैं कि मरकजी जो वज़ीर आज़म साहब अभी ऐलान करेंगे भी कुछ रिलीफ का, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा कुछ ऐलान नहीं किया गया, तो क्या समझ आप? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही इनिशिएटिव ले लिया है और स्टेट्स को डायरेक्शन हो चुकी है कि जो माइग्रेंट्स वहाँ हैं, चाहे वो मजदूरी के लिए गए हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए या बिजनेस के सिलसिले में ले गए, हर तरह से उनका ख्याल रखा जाता है। और अभी तक जो सिस्टम पूरे देश में चल रहा है, जहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री ने पहले कहा कि कोई देशवासी भूखा ना सो सके, और यही मसले आज रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि हर जगह लगभग पूरे देश में ये सिस्टम सक्सेसफुली रन कर रहा है। और आप जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, यहाँ भी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें लगी है, चाहे हमारे जितने भी DC साहिबान हैं वो भी इसमें लगे हैं, और हर जगह ज़रूरतमंदों के साथ के पास वो खाना हो चाहे दवाई हो वो पहुँचाई जा रही है। ये सिस्टम कामयाब, और हिस्ट्री में यह पहली मिसाल है कि जो आज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देश ने अडाप्ट किया, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको दे दिया, उस पर ये एक हिस्ट्री है और हमें इस बात पर फख्र करना चाहिए। और ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात उन्होंने की, जो उन्होंने बात की है लॉकडाउन की, उसको हर हाल में सपोर्ट करके हमें, अगर थोड़े दिन हमें कष्ट में रहना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो उन्होंने कहा था जान है तो जहान है, हमें इस बात को भी याद रखना चाहिए। और हमें उन्होंने जो आज हमें लॉकडाउन कर दिया उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए हमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए। सबसे पहले जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी ने देश के वजीर आजम और देश के गृहमंत्री से ये अपील की थी कि जो बाहर हमारे लोग हैं दूसरे स्टेट्स में या आउट ऑफ कंट्री जो लोग हैं उनको किसी न किसी तरीके से वापस लाए जाए। और आप देखिए कि अभी भारत सबसे बड़ा देश है जिसने बाहर के मुल्कों में जो रह रहे हैं उनको यहाँ ला के क्वारंटाइन में रखा है, और कल भी एक बैच श्रीनगर उन्होंने पहुँचा दिया खसूसी प्लान के जरिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसी हालात ठीक होंगे सबको घर में लाया जाएगा, लेकिन फिलहाल अपनी जगह पर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस मज़हब के से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ भी है कि जिस शहर में महामारी हो वहाँ से ना निकला जाए और वहाँ का सफ़र ना किया जाए। इसको फॉलो करते हुए हम प्रधानमंत्री की उन वर्ड्स को फॉलो करते हुए, जो जहाँ है वो वहीं रहे, वो देश के लिए ठीक है। सर, आज टेक्नोलॉजी का दौर है, सेक्रेटरीट का जो एक हिस्टोरिक डिसीजन ले लिया कि लोग ना सफ़र करें, जम्मू वाले जम्मू में रहेंगे और श्रीनगर के जो मुलाजिम हैं वो यहाँ रहेंगे। और जो आज टेक्नोलॉजी का ईमेल्स है, व्हाट्सएप्स है, सोशल मीडिया काम कर रहा है, उससे भी आज हम फाइलों को निपटा सकते हैं, और मुझे लगता है उससे ज़्यादा स्पीड में हम इनको लग सकते हैं। ये खुशहाल कदम है, इसका भी हम भरपूर ताउन दे रहे हैं और उसका सपोर्ट कर रहे हैं।